अगर मौत हार्ट अटैक से हुई तो होठों पर सिर पर चोट के निशान क्यों, जानिए पूरा मामला। कोलकाता में सिंगर केके की मौत को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। उनके माथे और होठों पर चोट के निशान मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस केके की मौत के मामले में आयोजक और होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। गुरुदास महाविद्यालय में कार्यक्रम किया गया था और इस फेस्ट का नाम दिया गया था उत्कर्ष 2022। नजरुल मंच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इधर सिंगर केके के परिवार के सदस्य आज कोलकाता आ रहे हैं। केके के परिवार वाले आज कोलकाता आ रहे हैं। न्यू मार्केट थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि संगीतकार की मौत शारीरिक बीमारी से हुई या किसी अन्य कारण से। इधर सिंगर केके की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो सही नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। दिलीप घोष ने आगे कहा कि किस तरह से यह बिना एसी के और इतनी भीड़ में काम करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भीड़ कैपेसिटी कहीं ज़्यादा थी और एसी भी बंद था। पता नहीं इसी कारण उनकी तबीयत बिगड़ी या नहीं, ये पता नहीं है। लोगों में एक्साइटमेंट होता है। बॉलीवुड के मशहूर गायक कृष्ण कुमार कंथन ने मंगलवार की रात में निधन हुआ। वह केके के नाम से मशहूर थे। केके 53 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक कॉलेज द्वारा दक्षिण कोलकाता स्थित नजरुल मंच में समारोह का आयोजन किया गया था। वहां करीब एक घंटे तक गाने के बाद जब केके वापस अपने होटल पहुंचे तो वो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। समाचार एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि गायक को दक्षिण कोलकाता के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, केके को रात करीब 10 बजे अस्पताल लाया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम उनका उपचार नहीं कर सके। अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि गायक की मृत्यु हृदयाघात के कारण हुई है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार को उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मौत के सही कारण का पता चल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायक की मृत्यु का शोक किया है।